नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कंप्यूटर बाबा को इनाम दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कंप्यूटर बाबा ने कांग्रेस के पक्ष में खूब प्रचार किया था। इस दौरान वे भोपाल से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार भी किया था। अब उन्हें सरकार ने नर्मदा न्यास के ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया है। कंप्यूटर बाबा ने मंगलवार को पदभार संभाल लिया है। इस दौरान उनके साथ भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। कंप्यूटर बाबा ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि 11 जून से अवैध खनन या अन्य शिकायतों के लिए नर्मदा हेल्पलाइन शुरू होगी। यह टोल फ्री नंबर होगा जिस पर नर्मदा को लेकर शिकायत की जाएगी। ये 1800120101106106 नंबर रहेगा। इस पर नर्मदा व सहायक नदियों की शिकायत दर्ज करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने सरकार में आते ही हेलीकॉप्टर की मांग की है। कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से बात करते हुए बगल में बैठे दिग्विजय सिंह से हेलीकॉप्टर की मांग की। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर के जरिए ही नर्मदा की परिक्रमा करूंगा। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर मुझे हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएं ताकि मैं नर्मदा के काम पर तेजी ला सकूं। पैदल जाएंगे तो काम कैसे करेंगे। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि हम 20 साल पहले नर्मदा की पैदल परिक्रमा कर चुके हैं, लेकिन अब जल्दी काम करने के लिए हेलीकॉप्टर से परिक्रमा करनी होगी। बाबा की इस मांग से कमलनाथ सरकार भी अचरज में पड़ सकती है। वक्त के अनुसार कंप्यूटर बाबा पाला बदलते रहते हैं। शिवराज सरकार में भी उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था, साथ में सरकारी सुविधाएं भी, लेकिन बदलते मौसम के साथ बाबा ने भी सियासी पाला बदल लिया। विधानसभा चुनाव के दौरान ही वे कांग्रेस के साथ आ गए थे, फिर लोकसभा चुनाव में सक्रिय रूप से कांग्रेस के लिए प्रचार करने लगे। अब उन्हें उसका इनाम मिल गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कंप्यूटर बाबा खुलकर दिग्विजय सिंह के साथ थे। उन्हें जिताने के लिए साधु संतों के साथ कंप्यूटर बाबा ने धुनी भी तापा। इस दौरान वहां दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। साथ ही में भोपाल में उन्होंने दिग्विजय सिंह के लिए रोड शो भी किया था। बाद में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया तो बाबा साइड हो गए।